आप सही देख रहे हैं कि क्यों लेट किया हमने एसएससी जेई 2024 के मॉक टेस्ट का रिजल्ट। ये कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बड़ा स्ट्रेटेजिक टॉपिक है। आप भी सोच रहे हैं सर इसमें क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जब ये 2 जून को एग्जाम हुआ, हम रिजल्ट सेम डे भी या 3 जून को भी डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन हमें एक बात लगती थी कि जितने भी बच्चे जो 5-6-7 जून को एग्जाम दे रहे हैं, उनका लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट का एग्जाम, ये जो एग्जाम है ये लगभग फाइनल एग्जाम होगा, इसके बाद में आपने मॉक नहीं दिए होंगे। अब यदि मॉक में यदि आपके ज्यादा मार्क्स आते हैं तो वो आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर सकते हैं, यदि कम मार्क्स आते हैं तो वो आपको डिमोरलाइज कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपको अच्छा लगेगा, प्राउड फील करेंगे यदि आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे तो, लेकिन कहीं आप एरोगेंट ना हो जाएं कि यार मेरे मॉक में 170 नंबर आए तो आने वाले दिनों में इतने नंबर आएंगे। तो इस वजह से, जो पहला कारण है और भी कई कारण है जिनके बारे में चर्चा करूंगा, हम ये चाहते थे कि हम आपको, क्योंकि आपने मॉक दे लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, एरर को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब आप वो मिस्टेक एग्जाम में ना करें और आप बाद में देखें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उससे आपको एक और बात का अनुमान लगेगा, उससे ये बात का भी अनुमान लगेगा कि इंजीनियर्स एकेडमी का मॉक और रियल एग्जाम का मॉक कितना सिमिलर है, कितना हूबहू है, लेवल का जो डिफरेंस है वो ज्यादा तो नहीं है, क्वालिटी क्वेश्चंस कैसे हैं, जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारी टीम द्वारा, हमारी फैकल्टीज की रिग्रस मेहनत द्वारा जो ये मॉक बनाया है ये मैक्सिमम उसी टाइप का है जिस टाइप का एग्जाम में लगभग हूबहू पेपर आने वाला है। यही नहीं, आपने जितने इस मार्क्स में, आपके मॉक में मार्क्स आ रहे हैं, मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स एग्जाम में भी 10% के प्लस माइनस के अंदर ही आएंगे। वो आप एग्जाम के टाइम पर भी देख सकते हैं और अभी भी आपने यदि मार्क्स ऐड करे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि हमारे यहां पर बनाए गए टेस्ट या जो जिस तरीके से उसको डेवलप किया गया है वो लगभग एग्जाम से हूबहू मिलता जुलता है। अब इसके लिए हमने इसका रिजल्ट उसी टाइम तैयार कर लिया था, लेकिन आज हम इसको पब्लिश कर रहे हैं, जो कि आप इस मॉक टेस्ट को देख, रिजल्ट को देखने के लिए, मार्क्स को देखने के लिए आप हमारा निम्बस लर्निंग का ऐप आपने डाउनलोड कर रखा होगा, उसके फ्री सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। यदि आप वेबसाइट से देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट engineersacademy.org पर विजिट करके होम पेज पर ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा। इस टेस्ट में लगभग 5,700 बच्चे इलेक्ट्रिकल के अपीयर हुए, 1,668 बच्चे मैकेनिकल के अपीयर हुए, 7,561 सिविल के अपीयर हुए, लगभग लगभग 14,000 बच्चों ने ये पूरा मॉक दिया है, 14,000 से 15,000 बच्चों ने, जो कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी रैंक उसी प्रोपोर्शनल में कहां रहने वाली है। यही नहीं, आने वाले दिनों में हम हर बार की तरह ईए मैच भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। ईए मैच इस बात का एविडेंस है और इस बात का प्रूफ है कि एग्जाम में पूछा गया हर क्वेश्चन या तो कॉन्सेप्चुअली या फिर हमारी बुक से या हमारे नोट्स से या हमारे टेस्ट सीरीज से, मोर देन 95% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हमारे नोट्स से, बुक से, टेस्ट सीरीज से, एमसीक्यू से मिलेंगे। इसके लिए हम सब्जेक्ट वाइज, जब आपके पास में पेपर, हमारे पास में डिटेल पेपर आ जाएगा, तो सब्जेक्ट वाइज उन सारे सबूतों के साथ, उन सारे प्रमाण के साथ में हमारे टीचर्स आपको बताएंगे कि कहां कहां से इस बार एसएससी जेई के क्वेश्चन पूछे गए और कैसे वो इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के स्टडी मटेरियल से या नोट्स से या टेस्ट सीरीज से, क्लास नोट्स से मैच करते हैं। तो आने वाले वीडियोज में और भी आपसे मिलते रहेंगे और हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में CBT 2 की स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे अब हमें CBT 2 का एग्जाम निकालना है। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.